तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे, फैमिली भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो रहेगा आपका UMT का तरफ से MT वाला सेटअप बयान, जो नया अपडेट दिया है, बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगा कि अपडेट दिया है क्या नहीं दिया, लेकिन जो भी अपडेट दिया ना, बहुत ही बिल्कुल अच्छा अपडेट दिया है, बहुत बड़ी अपडेट दिया है। तो देखिए, मैंने ये सपोर्ट एक्सेस वाला टूल ओपन करके रखा है, तो आपको भी ऐसे ओपन करना है। जैसे सपोर्ट एक्सेस वाला आप लोग ये वाला टूल जैसे ओपन करोगी, ओपन करने के बाद आप लोग ऐसा आएगा, तो ऐसा इसमें ऐसे आपको देखेगा इंस्टॉलर पे। देखिए इस पर न्यू लिखा आ गया, देखिए इस पर न्यू लिखा आ गया। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसके अंदर से इस पर नीचे पे जाना है। थोड़ा नीचे में जाने के बाद ये देखिए दिख रहे हैं UMT प्रो, इसमें अल्टीमेट MTK, इसमें 0.1 इसका वर्जन है, दिख रहा है। तो मैंने इस पर क्लिक करके इस पर से डाउनलोड किया था, लेकिन डाउनलोड तो होता है इसमें, इसमें जो फाइल आता है डाउनलोड करने के बाद, तो इसमें काम नहीं कर रहा है, एक्सट्रा करने के बाद ये काम नहीं कर रहा है। तो आप लोगों कहाँ से डाउनलोड करना है वीडियो लास्ट तक देखिए, बीच में छोड़ के जाओगी तो आपको मालूम नहीं चलेगा। तो पहले मैं दिखा देता हूँ अपडेट क्या क्या आया है इस पर। तो मैंने पहले गूगल खोला, अगर UMT का कोई ऐसे ऑफिशियल साइट नहीं है तो आप इस पर जाके चेक कर सकते हो। ये जो साइट मैं आपसे टाइप कर रहा हूँ, ये बोला UMT GSM फ्रॉम जो लिखा है, इसमें क्लिक कर दीजिए, ये ऊपर वाला खुलेगा फॉरम वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसमें UMT का और कोई भी GSM का टूल है, इसमें अपडेट आपको दिखाई देगा। तो देखिए इस पर सबसे ऊपर में दिख रहा है आपका 17/12/2022 का अपडेट आया है UMT की तरफ से, MT वाला टूल न्यू ब्रह्मोट इसमें दिखा रहा है। तो इसमें मैंने क्लिक किया, तो फ्रेंड देखो अपडेट बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है, बहुत ही बड़ी अपडेट दिया है। ये देखिए इसमें देखिए सपोर्ट CPU MT के CPU, देखिए आपको तकलीफ हो रहा था 6765 6761, जितने भी पीपो का प्रॉब्लम हो रहा है 6761 6765 6763, ये सारे के सारे अपडेट इन्होंने दे दिया है, बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। देखिए कितना CPU ऐड किया है इस पर, देखिए रीट इन्फो प्री लोडर में आप कर सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ रीट इन्फो प्रोमोट प्री लोडर मोड, इसमें सारे आप कर सकते हो। उसके बाद स्कैटर फ्लैशिंग सपोर्ट ब्रोमोट एंड प्री लोडर मोड सपोर्ट है, क्या अच्छा अपडेट दिया है रे भाई, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये देखिए सपोर्ट इमेज कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट, वो भी हो सकता है। इसमें देखिए ओप्पो OFT फाइल फॉर्मेट फ्लैशिंग सपोर्ट, ओ बाबा अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्या धमाका अपडेट। अभी OFT फाइल जो आते हैं हम लोग का सॉफ्टवेयर का, वो आप लोगों को स्ट्रेक करना नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट ही फ्लैशिंग ले लेगा। इसमें दिखा रहा है ओप्पो OFT फॉर्मेट फ्लैशिंग सपोर्ट, मतलब OFT फाइल भी आपको एक्सट्रैक्ट करना नहीं है, डायरेक्ट ही इस पर सपोर्ट है आपका, कस्टमाइज फ्लैशिंग सपोर्ट सुपर सपोर्ट। उसके बाद देखिए मेटा रीसेट फाउंड फैक्ट्री रीसेट आपका होगा, उसके बाद MMC, उसके बाद UFS, उसके बाद देखिए बूटलोडर अनलॉक रीलॉक सब कर सकते हैं, 6A 9A इसमें दिखा रहे हैं। उसके बाद फॉर्मेट FS सेफ फॉर्मेट यूज़र डाटा रीसेट फैक्ट्री RPM, उसके बाद ये देखिए सिक्योरिटी फाउंड, इसके बाद सिक्योरिटी बैकअप सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया है उन्होंने, जीप फाइल में डायरेक्ट ये हो जाएगा, अगर आप इसका बैकअप लोगे डायरेक्ट जीप फाइल फॉर्मेट में आपका सेव हो जाएगा। NB डाटा नेटवर्क का फाइल, ये भी आप कर सकते हो बैकअप, NB डाटा फॉर्मेट NB डाटा पार्टीशन भी कर सकते हो। देखिए बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है फ्रेंड, तो आप लोगों को कैसे लगा बोलिएगा कमेंट में। और ओप्पो का ID वगैरह सारे आप कर सकते हो, रिसेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीवो का सिक्योरिटी रिपेयर, मतलब सिक्योरिटी मतलब IME का रिपेयर भी कर सकते हो आप इसमें, बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका, देखिए डाउनलोड करना तो इधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं UMT का न्यू लुक, और जिस जिस भाई का UMT एक्सेस वाला टूल से डाउनलोड नहीं हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है इंस्टॉल नहीं हो रहा है, उस भाई को मैंने सेटअप इसका डिस्क्रिप्शन के नीचे में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को न्यू लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए न्यू लुक कितना अच्छा है,
पहले जैसा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बिल्कुल अलग ही बनाया गया है इसको। पहले थोड़ा छोटा था, अभी इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। उसमें इसमें कोई मॉडल वोडल का ऑप्शन नहीं दिया गया है, डायरेक्टली ऑटो लिखा है। मतलब ये वन क्लिक में अगर आपका काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मतलब इसमें देखिए ऑटो सब कुछ ऑटो रखा है, ऑटो डायरेक्ट दिखा रहा है। इसमें आप ब्रोममोड में काम कर सकते हो, ब्रोममोड सेलेक्ट कीजिए। अगर प्रिंटर में काम कर सकते हो तो प्रिंटर में सेलेक्ट कीजिए। कितना अच्छा बनाया गया था, बहुत ही सुंदर लगा मुझे सेटअप का लुक। फर्स्ट ब्रोममोड, डम्प प्रीलोडर, ये सब कुछ बहुत सुंदर है। इस पे देखिए सबसे पहले मैं दिखाया था आप लोगों को, इसमें डीए वाला तो पहले से ही है। इसमें देखिए फ्लैश लिखा है, फ्लैश पे आपको जाने से इसमें स्कैटर, उसके बाद ओएफटी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास ओएफटी फाइल का है, रियलमी 8 का फाइल, चेक कर लेता हूँ एक बार। उसे मैंने किया, ये देखिए एक एक फाइल है रियलमी 8 का, मैंने एक फाइल डाउनलोड करके रखा है इसे एक्सट्रैक्ट करके। इसको मैंने एक बार ट्राई कर लेता हूँ आप लोगों के। देखिए मैं इसमें क्लिक किया, ओएफटी फाइल दिखा रहा है, ओपन में क्लिक किया। ओ बाप रे, देखो एक बार में छटक करके ले लिया इसने, कोई एक्सट्रैक्ट कोई कुछ नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट ही ले लिया। तो बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा लगा। एक्सट्रैक्ट करो भाई, किसी किसी भाई झमला हो जाता है, मतलब एक्सट्रैक्ट हो ही नहीं रहा है। किसी किसी फाइल ऐसे होता है तो एक्सट्रैक्ट होता ही नहीं है, कुछ फाइल आता है कुछ फाइल आता नहीं है। तो भाई इसमें से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है ये आप लोग बाद में ये तो फ्रेंड देख पा रहे हो, ओएफटी वाला काम परफेक्ट कर रहा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, जहाँ भी मतलब कुछ फ़ोन के लिए काम करना है। इसमें देखिए आपका इसमें है, अभी पहले इसमें आपका साइट में था रेट इन्फो, अभी इस पर दे दिया। आप फाइल सेलेक्ट करने के बाद फ्लैश करना है तो इसमें कर दीजिए डायरेक्ट राइट फ्लैश, इस पर दिखा रहा है। ऐसे करोगी इसमें आ जाएगा शायद। अभी तक मैंने इस पर कोई काम नहीं किया है, जस्ट मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो स्टॉप पे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद रिटर्न फो आप ऐसे ले सकते हो। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सर्विस में जाइए। देखिए मेटा पे काम कर सकते हो, बूट लोडर पे काम कर सकते हो, एफएस जो हम लोग फॉर्मेट एफएस कर रहा था ना, इसमें फॉर्मेट एफएस, तो इसमें ये दे दिया अलग से। ये देखिए इसमें है फॉर्मेट यूजर डाटा रीसेट FRP, इस पर करके जो भी काम करना है आप लोग को इस पर कर दीजिएगा, ये करने से हो जाएगा। उसके बाद ये RPM वाला है, RPM वाला टूल। उसके बाद बैकअप सिक्योरिटी वाला है, ये बैकअप कर सकते हो। तो फिर उसके बाद देख पा रहे हो ये बैकअप वाला है, और इसमें से आप बैकअप सिक्योरिटी कर सकते हो। देखिए ये रजिस्टर बैकअप, मतलब बैकअप करके उसके बाद फिर रजिस्टर करना है तो इसमें से करिए। इसमें बैकअप है, ये आप एक्सट्रैक्ट बैकअप करके इसमें कर दो, हो जाएगा वो जीप फाइल में चला जाएगा जो मैंने पहले बोला है। उसके बाद आपको रीड राइट IME नंबर वीवो का ट्रेनिंग है अभी तक। तो उसके बाद है आपका रिसेट ओप्पो ID, हवाई रिसेट, ये डायरेक्ट होता है, इसमें क्लिक करने से हो जाता है। MI अकाउंट, इसमें भी हो गया डायरेक्ट ही। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो जो भी अपडेट दिया है UMT ने, बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है भाई, सिस्टम बिल्कुल चेंज किया है। तो किस किस भाई को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बोलिएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपने चैनल पर लाते रहूँगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।